वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया होंगे। तो आज फाइनली हमारा जो है लोअर टी शर्ट निकल गए हैं, मतलब जो हो रहा था हाल बेहाल उससे थोड़ा सा ठीक ठाक हालात में आए हैं, क्योंकि आज जो है सवा महीना वो पूरा हो गया है। तो आज हमने अपने कपड़े वपड़े सब येलो कलर के कपड़े पहने जाते हैं, और आज हमारी कुकू ने भी येलो पहना है और मांटू ने भी येलो ही पहना है। सो गाइज, अभी जो है सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे अनाया के लिए निकाल रही हूँ कपड़े, क्योंकि उसको नहलाना है तो उसी के कपड़े ढूँढे थे। और आज अनाया पहनेगी हमारी येलो कपड़े, क्योंकि आज मैं भी येलो पहन रही हूँ और मांटू भी। तो ये न्यू ड्रेस है अनाया की, अभी तक उसको एक बार भी नहीं पहनाया, क्योंकि सवा महीने से पहले येलो कपड़े नहीं पहनाते हैं। तो मैं अभी नहा के आ चुकी हूँ और मैंने पहना है अपना नए वाला सूट, और मम्मी जो है कल चूड़ी भी लेकर के आई थी मेरे लिए, तो मैं नई वाली चूड़ियाँ जो हैं वो पहनूंगी। और आज बिंदी सिंदूर लिपस्टिक अच्छे से मेकअप करके तैयार होके, वैसे तो ये रीति रिवाज ससुराल में ही होते हैं, अच्छे भी वहीं पर लगते हैं, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे भी मतलब वो ही बात है, होना चाहिए जो काम हम करना चाह रहे हैं बस वो काम होना चाहिए। तो बस आज मैं सुबह सुबह ही नहा के और अच्छे से रेडी हो गई हूँ, तैयार हो गई हूँ, और बड़ी खुशी सी मिली, एक अलग सी ही हुआ है, क्योंकि कई महीनों बाद मैं आज अच्छे से तैयार हुई हूँ, अच्छे से बढ़िया तरीके से। और ये सवा महीना तो ऐसा ही जाता है, इसमें तो हमारे यहाँ पे कोई बिंदी लिपस्टिक कुछ भी नहीं लगाया जाता, यहाँ तक कि चूड़ी भी चेंज नहीं की जाती है, और जो कपड़े हम उसमें पहनते हैं वो कपड़े भी नहीं पहने जाते हैं। तो बस अभी लगा लेते हैं सिंदूर, और हेयर वॉश भी किया है मैंने, मुझे अपने बालों का भी अच्छे से वो करना है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं इस टाइम पर, तो इनको भी करेंगे धीरे धीरे, सब कुछ होगा। और अभी हम हो गए हैं रेडी, तो कैसा लग रहा है मेरा सूट बताइएगा ज़रूर। थोड़े से हम इधर उधर को मोटे सोटे हो चुके हैं, क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी के बाद में आपकी बॉडी में अलग ही चेंज आता है, अलग ही रिएक्ट करती है वैसे, और मतलब सही उसमें आने में 2-3 महीने तो आराम से लग जाएंगे, जब उठेंगे फिरेंगे और काम वाम करेंगे तो थोड़ा सा वो आ भी जाएगा, अभी तो है ही। तो बस मैं यहाँ पे तैयार हो चुकी हूँ, और मैं थोड़ा सा लिवोन लगा लूँगी बालों पे, क्योंकि बाल फिर बहुत ज़्यादा इलजते भी हैं, और मेरे ना बाल अच्छे से बढ़े हैं, मेरी प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी ग्रोथ हुई है मेरे बालों की। तो अभी मैं कुछ करवाऊँगी, इनका भी थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट तो ज़रूर होगा मेरे बालों का, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़े से इनको सही हालात में, चेहरा भी सही हालात में थोड़ा सा लाया जाएगा, अभी तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो मैं खुद को ही देख के कहती हूँ, मैंने कहा चलो आज अच्छा लग रहा है ना, और आज मुझे कल से ही बहुत ज़्यादा हो रहा था कि कल मैं अच्छे से तैयार होंगी, और मैं सुबह से ही जो है मैंने सबसे पहले मम्मी ने सब कुछ तैयार करके रखा हुआ था, मेरे कपड़ों पर भी प्रेस रात में ही हो गई थी, सूट रह गया था क्योंकि लाइट चली गई थी, जो प्लाजो है उस पर तो हो गई, सूट पर नहीं हो पाई थी। तो बस, और इसके सूट की जो चुन्नी है ना वो बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर सा दुपट्टा है, अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये वाला बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा है, मैंने दुपट्टे की वजह से ही जो है ये सूट मंगवाया था, ये सूट मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था। तो बस अभी मैं अपना दुपट्टा भी डाल लूँगी और अभी हम करेंगे पूजा, तो बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये सूट। Thank you.
और अभी मुझे करनी है पूजा, तो मैं नहा के और अभी धूप बत्ती सिलका दूँ, क्योंकि गोपाल जी को तो मम्मी ने सुबह ही नहला दिया था। तो मैं ये है कि थोड़ा सा पूजा पाठ कर लूँगी, अच्छा लगेगा। और मुझे भी बहुत सारे काम हैं जो करने हैं, वो तो मैं जब घर चली जाऊँगी अपने तभी करूँगी, वहीं पर जो सवा महीना पूरा होने के बाद में होते हैं, वो सब कुछ अपने घर पर ही करूँगी जा कर के। तो बस मैं यहाँ पर अपना पूजा पाठ कर रही हूँ, धूप बत्ती सिलका रही हूँ। और यहाँ पे मैंने पूजा पाठ कर ली है, तुलसी जी को जल भी दे दिया है। और मैं लगा रही थी यहाँ पे नेल पेंट, काफ़ी टाइम बाद मैंने आज नेल पेंट लगाया है और बड़ा अच्छा लग रहा है। और अभी तो ना मतलब हाथ भी साफ़ हो रहे हैं, क्योंकि कितने दिनों से काम वाम कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसा होता है कि सवा महीना नहाने के बाद फिर हम किचन में भी जा सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, इससे पहले कुछ भी नहीं होता है। तो बस वही था, प्रसाद मैंने मंगाया था, तो सबसे पहले जो प्रसाद है वो मैं गौ माता को और जो हमारी बछिया है उसको खिला रही हूँ। मैं उसको वैसे खिला रही थी, मम्मी बोली ऐसे नहीं खाएगी, तो प्लेट नीचे रख दे तो वो खुद से खा लेगी। अभी मैंने जो है प्रसाद सब लोगों को बांट दिया है, मम्मी को दे दिया है, भाभी को दे दूंगी, घर में जितने भी लोग हैं तो सबको प्रसाद दे दूंगी। और बस जो मेरा सवा महीने का वो था वो भी पूरा हो जाएगा। अभी मैं कुछ भी घर के काम भी जैसे कि कुछ भी नहीं कर सकते थे, सुतक जिसको बोलते हैं, तो वो रहते हैं, तो मैं बस अभी काम वाम भी कर सकती हूँ अपने लिए, खाना पीना हुआ, क्योंकि देखिए बैठे बैठे तो इंसान वैसे भी ना आधे से ज़्यादा बीमार हो जाता है, पर ये टाइम ऐसा होता है कि ये करना ही पड़ता है। और मैं बार बार आप लोगों को अपना सूट दिखा रही थी, और देखिए बाल भी मेरे काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, बस वैसे तो मतलब सही हो रहे हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। एक तो इनमें कलर होना है, थोड़ा सा हेयर स्पा भी मुझे लेना है। और देखिए हमारी अनायु कैसी लग रही है, क्यूट लग रही है ना, ड्रेस भी बड़ी प्यारी लग रही थी, इसको भी मैंने सुलाया है। मम्मी ने मेरे लिए बना दी है यहाँ पे पात, तो मैं भी इसको भी नहा करके ये पी लूँगी। आज हम तीनों ने येलो ही पहने हैं, मांडू ने भी, कुकू ने भी येलो ही पहना है, वो सो रही है, उसकी थोड़ी सी कल से तबीयत ठीक नहीं थी, उसको थोड़ा गैस की प्रॉब्लम हो रही थी। और मैंने भी ये वाला सूट अभी सिलवाया है, और अभी मांडू को भी आज मौसम ठीक नहीं है ना, तो उसको भी जुकाम सा लग रहा है। और बताइएगा मेरा सूट कैसा लग रहा है। ये मैंने इसके नीचे प्लाजो बनवाया है, दुपट्टा इस सूट का बहुत अच्छा है, मतलब सूट इतना अच्छा नहीं है, मतलब सूट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो दुपट्टा बहुत ही प्यारा है इसका। मैंने अपना हेयर वॉश भी किया है, और आज बिंदी बिंदी भी लगाई है, नेल पेंट भी लगाया है, और चूड़ियाँ भी चेंज की हैं। तो आज मतलब फाइनली हम अपने थोड़ा सा रूप अवतार में आए हैं। तो चलिए आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। और मम्मी ने बना दिया, मैं नहा के आई हूँ, भी सर धुला है इसको मम्मी, और भी तो बोल रहा है कुछ छुआनी के अलावा पांत, ये अभी गर्म है, ठंडी सी हो जाएगी तब इसको पियेंगे, अभी थोड़ी देर रख देते हैं ठंडी हो जाए जब तक। तो भी भाभी जो है वो काम में लगी हुई थी, मम्मी यहाँ पे लगा रही है सब्जी को छोंक, और यहाँ पे सब्जी बन रही है आज आलू और पपीते की। जो टेस्ट लाने के लिए सब्जी में हम बहुत सारे मसाले, बहुत सारा तामझाम जोड़ते हैं, मेरी मम्मी सिंपल सा भी छोंक लगा देती है, उसमें भी सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए माँ के हाथ के खाने की तो बात ही अलग होती है, और कुछ ना लोगों के हाथ में टेस्ट होता ही है, जो कि मेरी मम्मी के हाथों में है। मेरी मम्मी कुछ भी बनाती है, कुछ भी, बहुत ही अच्छा टेस्ट
टेस्ट आता है, बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो जैसी सब्जी कुछ भी हो, मेरी मम्मी कुछ भी बनाती है, जैसा टेस्ट मम्मी के हाथों का आता है वो मेरे हाथों का तो कभी आता ही नहीं है, कभी नहीं आता, मैं कैसे भी बना लूँ। तो बस यहाँ पे आलू और पपीते की सब्जी को लगा दिया है तड़का, इसमें पानी नहीं डालता है, बस मसाले में ही डाला और बस थोड़ा सा मसाले वो करके इतना सा ही मम्मी ने पानी डाला था और सब्जी हमारी बन करके हो जाएगी तैयार। रोटी के साथ में सैलेड लो, रोटी लो और भैया गरम गरम खाना खाओ, बड़ा अच्छा लगेगा। अभी हम मैं बना रही हूँ यहाँ पे मैंगो शेक। जी हाँ, मैं बोल रही हूँ, कितने टाइम बाद मैंने बोला है कि मैं बना रही हूँ, है ना, काफ़ी टाइम बाद मैं आज कुछ बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे जो है मैंने चीनी डाल दी है, इसमें दूध डाला है, पानी नहीं, पानी बहुत थोड़ा सा पानी डाला है, बस दूध लिया है और आम निकाल के डाल लिया है। दो तीन ग्लास इसमें आराम से बन जाएगा। मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी मैं कुछ बनाऊंगी आज, मम्मी बोली कि चल सिंपल सा जो भी तुझे अच्छा लगता है वो बना ले। तो मैं यहाँ पे मैंगो शेक बना रही थी। अभी मैं वैसे ठीक हूँ, सिजेरियन भी मेरा ठीक है क्योंकि सवा महीना हो गया है अभी चलने फिरने लायक, देखिए हल्के फुल्के काम करने लायक तो मैं अब हो चुकी हूँ। तो वही, और यहाँ पे मैंगो शेक हो रहा है रेडी। डालते हैं ग्लास में, मैंने ग्लास को अच्छे से पहले वॉश किया, रखे हुए थे ना तो उनको वॉश कर लिया है। तो अभी डाल देते हैं मैंगो शेक और बाहर हम पीते हैं, कुछ भी टेस्ट नहीं आता जो घर में ना दूध का, खाली दूध का बना के पियो, ठंडा ठंडा दूध। इसमें बर्फ़ डाल सकते हैं पर मैं मांटू को नहीं दूंगी क्योंकि उसको मैं ठंडा बहुत कम देती हूँ अभी इस टाइम पे, और मौसम का भी ऊपर नीचे चल ही रहा है ना, और मैंने टूटी फ्रूटी मंगवाई थी मम्मी से तो वो इसमें डाल दी है। और इसमें थोड़ा सा हम गोले का बरूदा डाल देंगे, मतलब गार्निश कर देंगे अच्छे से, क्योंकि जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है ना वो खाने पीने में भी बहुत बढ़िया लगती है। तो बस इसमें गोले का बरूदा डाल दिया, ऊपर से देने चलते हैं मांटू को और भाभी को। अभी इन लोगों को तो मैंने मैंगो शेक दे दिया बना के, अपने लिए मैं काट रही हूँ यहाँ पे फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में मैं यहाँ पे पपीता और एक कीवी है वो कट कर लूँगी अपने लिए, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा अभी नहीं खाऊँगी, मतलब ऐसी वैसी चीज़ें जैसे मैंगो शेक हो गया, ये सब चीज़ें मैं थोड़ा सा सोची कि अभी अपना फ्रिज का ही हेल्दी खाना ही खाया जाए, कोई भी चीज़ ऐसी ना खाई जाए जो कि मुझे नुकसान दे, मुझे खुद ही मन नहीं करता ऐसी वैसी चीज़ें खाने का ना। अभी थोड़ा सा मैं मिर्च नहीं खा सकती बिल्कुल भी, अब मेरी मिर्च शायद छूटी गई है, मैं आगे भी नहीं खा पाऊँगी, मैं बिल्कुल बिना मिर्चों का खाना खाती हूँ उस टाइम पे, नहीं खाया भी नहीं जाता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पपीता काटा है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कीवी भी है तो ज़्यादा हो भी नहीं पाएगा। और ये पपीता फ्रिज में रखा था, थोड़ा सा कच्चा सा था तो दो दिन में अच्छे से पक भी गया है। मैंने अपने लिए जो है फ्रूट्स कट कर लिए हैं, चक्कू को वॉश करके रख देती हूँ क्योंकि मक्खी बहुत ज़्यादा आती है। इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा काला नमक। मेरे फ्रूट्स कट चुके हैं, वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छे अच्छे व्लॉग्स, अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूंगी आगे भी, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, मेरे दोनों ही चैनल को, पाकी तोमर व्लॉग्स और पाकी फैमिली व्लॉग्स। बाय बाय।